अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे जा रहा है सब कुछ? अच्छा तो बताएं, हम लोग आज कौन सी क्लास में हैं? ये कौन सी क्लास है? मैं कौन सी क्लास में आज उर्दू बोलती हूँ? हाँ जी, उर्दू की क्लास में ही तो उर्दू बोलनी है। उर्दू क्यों बोलनी चाहिए? उर्दू हमें क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उर्दू हमारी कौमी जुबान है। बिल्कुल ऐसा ही है, शाबाश। मुझे खुशी होती है जब मैं ये जानती हूँ कि मेरे बच्चों को काफी कुछ आता है। वेरी नाइस टू नो है। चलें बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना काम विदाउट एनी वेस्टिंग। मुझे ये बताएं, कल हमने क्या किया था? हाँ जी, कल हमने किया था क्या? मुझे तो नहीं याद, आपको याद है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। कल हमने फूल पढ़ा था या नर्दबान पढ़ी थी? फूल पढ़ी थी या नर्दबान पढ़ी थी? जी हाँ, कल हमने नर्दबाने उर्दू में काम किया था। और क्या किया था? अल्फाज साजी। कौन से? दो, तीन और चार हरफी अल्फाज। शाबाश। आज हम काम करने जा रहे हैं फूल पे। बच्चों आपको तो पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में, या आप ऐसा कुछ देखते हो कि जो आपके माइंड में कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी इसी बारे में है। कुछ फन लविंग स्टोरी है, कुछ मजे की है, आप इंजॉय करोगे। गौर से पढ़िएगा, गौर से देखिएगा और प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखिएगा ताकि आपको इमला में आसानी हो। ठीक है, आइए काम करते हैं अपना। निकालिए फूल, सफा नंबर 14। और हमारा टॉपिक है आज का भोले भाई। भोले का क्या मतलब होता है? जो बंदा बहुत सादा होता है। क्या टॉपिक है हमारा? भोले भाई। हम लोग काम करने वाले हैं भोले भाई के ऊपर आज। ठीक है, सबसे पहले हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है। उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? छली वाला नजर आ रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो दाने बेच रहा है। और कितने आदमी हैं? दो आदमी हैं, बिल्कुल। और वो उसको क्या दे रहा है? दाने? ये ना, हाँ, छली वाला, ये रेडी वाला आदमी है। ये क्या आपको लग रहा है? क्या खड़ा है? कुत्ता भी कह सकते हैं, बिल्ली भी कह सकते हैं, है? चलिए पढ़ते हैं। मैं एक एक लफ्ज बहुत ध्यान से पढ़ूंगी, आप लोगों ने अपनी उंगलियां रखनी, क्योंकि मेरे लिए उंगली रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया ना, भोले भाई भुट्टे ले रहे थे कि भूरे भूत से डर कर भागे। अच्छा, ये भुट्टे भी कहते हैं छली को। अच्छा, आपको पता है छली को और क्या कहा जाता है? भुट्टे। ठीक है, भुट्टे ले रहे थे कि भूरे भूत से डर कर भागे। फाटक के पास से उन्होंने फल और फूल खरीदे। अच्छा बच्चों, ये आप नोट कर रहे हो, पहली वाली लाइन में बे से अल्फाज यूज हो रहे हैं, दूसरी वाली लाइन में फे से, पे से। थोड़ी देर में थैला पकड़े पकड़े थक गए, आ गया ते। पत्थर से गिर ठोकर लगी, गिरे ठेले वाले ने उठाया। घर जाते जाते झंडा भी खरीदा, झाड़ी से भट कर चले झटपट घर पहुंचे। अच्छा, ये है जी भोले भाई के ऊपर, के भोले भाई भुट्टे खरीद रहे थे कि भूरे भूत, ये भूत है, ये जो आपसे मैं पूछ रही ना, बिल्ली कुत्ता या कुछ भी हम कह लें, ये भूत भूरे भूत से डर के भागे। जैसे ही फाटक के पास पहुंचे, उन्होंने वहां से फल और फूल खरीदे और थैला पकड़े पकड़े थक गए। पत्थर से जब ठोकर लगी तो ठेले वाले ने उठाया। ठेले वाला, इसको ठेले वाला ही कहते हैं। घर जाते जाते क्या खरीदा? झंडा। झंडा हमारा, हम पाकिस्तानी तो हम पाकिस्तानी झंडे के बारे में बात करेंगे। झाड़ी से बचकर चले झटपट घर पहुंचे। ये पहले तो मैं भोले भाई के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, फिर इसका नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बताएं भोले भाई क्या कर रहे थे? भुट्टे खरीद रहे थे। पहले सफे के जो वर्ड्स है वो अंडरलाइन भी करते जाओ। भुट्टे लिखो, भेठे भुट्टे, बढ़िए ठे भुट्टे। ये शायद हुई है, इसमें दो दफा टे यूज हुआ है। भूरे भूत, भूत हम लिखते हैं और भूरा रंग का नाम है। ठीक है, भूरा। फाटक, फेल। फाटक किसके पास पहुंचे थे वो? फाटक के पास पहुंचे थे, उन्होंने वहां से क्या खरीदा? फल और फूल। शाबाश। अच्छा, थोड़ी देर में उन्होंने क्या पकड़ा हुआ था जो वो थक गए?
थैला पकड़ा था। हाँ जी, ये बेटा आप एक चीज नोट कर लो, ये आप सारे जो हैं मुरक्कब अल्फाज ज्यादा आ रहे हैं, ये सारे मुरक्कब अल्फाज हैं। भुट्टे, भूत, भोल, भूरा, फाटक, फल, फूल, ठेला, थक, थे थक। ये मैं आपको इसीलिए लिखवा रही हूं कि आपको थोड़ा सा मुरक्कब अल्फाज का भी रिकैप हो जाएगा। पत्थर, पत्थर तो खैर उसमें वो है, लेकिन इसमें भी मुरक्कब अल्फाज यूज हुए हैं। पत्थर, ठेले, ठेला हमने यूज कर लिया। झंडा, देखिए फिर आ गया मुरक्कब अल्फाज। और झाड़ी, और झट, झटपट, ये देख लें। ऑलमोस्ट जितने भी अल्फाज हैं आपने नोट किया होगा कि सारे मुरक्कब हरूफे तहजी हैं। ठीक है, आपसे कोई जब लिस्ट पूछे ना मुरक्कब अल्फाज की, तो ये लिस्ट अगर आप बोल दो ना बेटा, तो मैं कहती हूँ आप लोगों के मुरक्कब अल्फाज का चैप्टर डन हो जाएगा, आपको आ जाएगा सब। चलिए अब अगला करते हैं। ठीक है, आपने ये अंडरलाइन कर लिए सारे वर्ड्स, देखो सारे कर लिए आपने। हाँ जी, अब हम लोग करते हैं अगला सफा। ये देखें ये क्या हो रहा है, ये क्या, कौन सी जगह नजर आ रही है आपको? ये है छत, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आगे झंडा लहरा रहा है, और क्या नजर आ रहा है? लड़की है, साइडों पे दरख्त भी हैं, बहुत से घर भी हैं। चलिए देखते हैं। जारा छत पर झंडा लगाने गई और छम छम बारिश होने लगी, थोड़ी देर में धूप निकल आई और धनक भी, ढम ढम की आवाज आई। जारा ने नीचे देखा, ढीला ढाला कुर्ता पहने ढोल वाला ढोल बजा रहा था। ढम 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 ढम, क्या होता है ये? जारा छत पर झंडा लगाने गई और छम छम बारिश होने लगी, थोड़ी देर में धूप निकल आई और धनक भी, धनक क्या होती है? रेनबो, बिल्कुल। ढम ढम की आवाज आई, जारा ने नीचे देखा, ढीला ढाला कुर्ता पहने ढोल वाला ढोल बजा रहा था। ढम 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 ढम, किसकी आवाज होती है ये? ढोल की आवाज होती है। कौन था छत पे? जारा थी छत पर। क्या कर रही थी वो? नीचे देख रही थी। छत पर क्या लहरा रहा था? झंडा लहरा रहा था। और क्या हुआ, क्या हुआ जब वो छत पर गई? छम छम बारिश होने लगी। बारिश की क्या आवाज होती है? चम चम चम। और ये बताएं मुझे, फिर बारिश के बाद क्या हुआ? धूप निकली और धनक भी, बिल्कुल बिल्कुल। किसकी आवाज आई? ढम ढम की आवाज आई। कौन आया? ढोल वाला आया। क्या पहने आया? ढीला ढाला कुर्ता पहने आया। ढोल की क्या आवाज आई? ढम 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 ढम। हम लोग अब करते हैं इस सफा के सारे मुश्किल अल्फाज, इसमें भी बहुत सारे मुरक्कब अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप लोग हर वर्ड को सर्कल या अंडरलाइन जरूर करो, ताकि आप लोगों के पास एक वोकैबुलरी लिस्ट बन जाए। ठीक है बच्चों, अभी मैं सिर्फ ना, ओ माय गॉड, एक तो मेरे हाथ में ना चीजें अजीब अजीब आ जाती हैं कभी। छत, ये तो आ गया हमारा दूसरा लफ्ज मुरक्कब। ठीक है, उसके बाद क्या आया हमारे पास? झंडा। उसके बाद आई बारिश की क्या आवाज है? शमचा। और क्या है? धूप, थनक। डू सर्कल देम बच्चों, डू सर्कल देम। ढम ढम, ये किसकी आवाज है? ढम ढम, ढोल की। ढीला ढाला, ढोल। ये आ गया आपका सारे का सारा काम। छत, झंडा, छम छम, धूप, धनक, ढम ढम,
ढीला ढाला एंड ढोल। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस वाले सबक में हमारे पास जितने भी अल्फाज आ रहे हैं मुश्किल स्पेशली, उन सब में मुरक्कब अल्फाज यूज हुए हैं, मुरक्कब हर्फ सब में इस्तेमाल हुए हुए हैं। ये देखो, ये छ झ छ ह ध ढ ध ढ ढ ढ ढ, ठीक है बच्चों? कुछ क्लियर हुआ ना कि अगर मुफरिद अल्फाज से हट के कोई मुरक्कब पूछे तो आपके पास मुरक्कब की एक लिस्ट आ गई है। अब इस सबक को पढ़ने का ये फायदा तो हुआ, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूं, एक मिनट। वो सॉरी, लाइट थोड़ी सी डिम हो गई थी, मैंने कहा देख लूं। अब ये बताएं इस तस्वीर में क्या हो रहा है। ले जी, खिलौनों वाला आ गया है, बहुत से खिलौने लेकर, और साथ में कौन खड़ा है? जारा। और मैंने आपको एक और कैरेक्टर बताया था हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, अली। शाबाश, ये लोग क्या कर रहे हैं? खिलौने ले रहे हैं। उसके पास कौन कौन सी चीजें नजर आ रही हैं आपको? बिल्कुल, गाड़ी भी है, बहुत सी चीजें हैं, गाड़ी है, गुड़िया है, गुड्डा है, भालू है, ग्लासेस एनके हैं, बहुत कुछ पड़ा है। जारा सीढ़ी से नीचे उतरी, ढोल वाले के साथ खिलौने वाला भी खड़ा था। अली खाना खाते खाते भागा, दरवाजा खोला, उसने चाबी का घोड़ा खरीदा, घोड़े के गले में घंटी थी, चाबी घुमाने से घोड़ा ठुमक ठुमक चलता था और घंटी बजती थी, टन टन टन। जारा ने खिलौने का चूल्हा और एक गुड्डा खरीदा जो दूल्हा बना हुआ था। बोले भाई दूल्हा को देखकर बहुत हंसे। ये देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये गुड्डा गुड्डी, ये दूल्हा दुल्हन है दोनों। जारा ने ये खरीदी, अली ने यहां से घोड़ा खरीदा, और भोले भाई के बारे में एंड पे आके बात हुई है कि वो बहुत खुश, बहुत हंसे उन्होंने जब ये दोनों चीजें देखी ना, उनको बहुत हंसी आई। ठीक है, हम लोग अब इस वाले भी सफ़े से लिखते हैं कुछ अल्फाज और देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो। ठीक है, सीढ़ी, जारा कहां से नीचे उतरी थी? सीढ़ी से। जारा कहां से नीचे उतरी थी? सीढ़ी से। ढोल वाले के साथ कौन खड़ा था? खिलौने वाला। शाबाश, ढोल वाले के साथ कौन खड़ा था? खिलौने वाला। अली क्या कर रहा था? खाना खा रहा था, और खाना खाते खाते वो भागा। खाना, ये भी देख लो, फिर इसमें मुरक्कब अल्फाज सारे आ रहे हैं, मुरक्कब हरूफ। उसने, अली ने क्या खरीदा? जी हाँ, अली ने चाबी का घोड़ा खरीदा। घोड़े के गले में क्या थी? घंटी थी। ये घोड़ा आ गया, ये घंटी आ गई, घोड़ा घंटी। और घुमाने, क्या चीज घुमाने से घोड़ा घूमता था? चाबी। कैसे करके? ठमक 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 ठमक, किसी को ठुमका ठुमक ठुमक करना आता है, ठुमक 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 ठुमक। अच्छा, घंटी बजती थी टान टान टान। आपको अगर स्कूल कभी जाने का इत्तेफाक हुआ, फिलहाल तो हम ऑनलाइन पढ़े हैं ना, तो आपको घंटी की बड़ी आवाज होती है, टन टन टन। जारा ने क्या लिया? चूल्हा, खिलौने का चूल्हा, चूल्हा लिया, और एक गुड्डा खरीदा जो दूल्हा बना हुआ था, दूल्हा, चूल्हा दूल्हा। बोले भाई किसको देखकर बहुत हंसे? दूल्हा को देखकर बहुत हंसे कि उनको तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ओके बच्चों, ये आपने करना है, सीढ़ी, खिलौने, खाना, घोड़ा, घंटी, घुमाने, ठुमक, चूल्हा, दूल्हा। ये हमारा लेसन है जो के हमने भोले भाई के ऊपर पढ़ा है। भोले भाई किसको देख भागे थे? भूरे भूत को। क्या पकड़े थक गए थे? थैला पकड़े थक गए थे। फाटक से उन्होंने क्या खरीदा? फल और फूल खरीदे। शाबाश। अच्छा, फिर उन्होंने रास्ते में से क्या खरीदा? झंडा खरीदा।
और किससे बचे वो? झाड़ी से। जारा क्या कर रही थी? जारा छत पर झंडा लगाने गई थी। फिर क्या हुआ? बारिश होने लगी। बारिश की क्या आवाज होती है? चम चम चम। और फिर क्या हुआ? धूप निकल आई और धनक भी। उसके बाद कौन आया गली में? ढोल वाला। और उसने क्या पहना हुआ था? ढीला ढाला कुर्ता। और ढोल की क्या आवाज थी? ढम ढम ढम। और ढोल वाले के साथ कौन खड़ा था? खिलौने वाला। और अली क्या कर रहा था? खाना खा रहा था। खाना खाते खाते वो भाग कर आया। उसने क्या खरीदा? चाबी का घोड़ा। शाबाश। घोड़े के गले में क्या था? घंटी थी। घोड़ा कैसे चलता था? ठमक 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 ठमक, ठीक है। और घंटी की आवाज क्या थी? टन टन थी। आवाजें हैं इसमें, ठीक है। बारिश की आवाज छम छम, ढोल की आवाज ढम ढम, और घंटी की आवाज टन टन। जारा ने क्या खरीदा? चूल्हा और दूल्हा। ये हमारे हम आवाज इल्फाज भी इसमें से पाएंगे। देखिए हमने इसमें से कितनी चीजें निकाली हैं। अब बताएं आप मुझे, सबसे पहले भोले भाई क्या ले रहे थे? भुट्टे ले रहे थे। उनके साथ क्या क्या हुआ? बिल्कुल, उन्हें ठोकर भी लगी, वो थक भी गए, उन वो झाड़ी के साथ भी चिपके, वो भूत से भी डरे। ये हुआ था भोले भाई के साथ। अगर आपको इस कहानी का कोई और नाम देना पड़े तो क्या देंगे? जारा और अली भी कह सकते हैं आप, या ढोल वाला और खिलौने वाला भी कह सकते हैं आप। वैसे तो हम भोले भाई, खिलौने वाला और ढोल वाला भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। शाबाश। जारा ने झंडा कहाँ लगाया? छत पर। और अली और जारा ने क्या क्या खरीदा? बिल्कुल, अली ने चाबी वाला घोड़ा खरीदा, जारा ने दूल्हा खरीदा, और साथ में चूल्हा खरीदा। ये था हमारे दो दिन का लेसन भोले भाई, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। मैं आप लोगों की अब फन के लिए एक नज़म दिखाती हूँ, जो कि हमारे चैनल ने बनाई है। आप वो देखो, ताकि हम अपना लेसन वाइंड अप करें, और आप ये ना कहो कि हमारी मैम ने हमें नहीं दिखाया। हमारी नज़म है, देखते हैं कौन सी है। तो अगर वो नज़म हम देख लेंगे। वैसे तो स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीजें समझ आ गई है ना, कि हमने किस बारे में क्या क्या पढ़ा है? जी, ये तो आ गया दो हरफी अल्फाज। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अभी करते हैं अपना लेसन वाइंड अप, बिकॉज मैं ये समझती हूँ। एक मिनट, ये आपकी आ गई स्क्रीन, ठीक है। उदे पीले हैं कासनी देखो, कुछ तो है पूरे जामनी देखो। उदे पीले हैं कासनी देखो, कुछ तो पूरे हैं जामनी देखो। तितलियां जब चमन में आती हैं, अपनी रंगीनियां दिखाती हैं। तितलियां जब चमन में आती हैं, अपनी रंगीनियां दिखाती हैं। सारे फूलों से जाके मिलती हैं, कान में उनके कुछ तो कहती हैं। सारे फूलों से जाके मिलती हैं, कान में उनके कुछ तो कहती हैं। फूल सुन सुन के मुस्कुराते हैं, होके खुश लहलहाते हैं। ये थी आपकी तितलियां पे वीडियो, छोटी सी। मैं चाहती थी कि आप लोग जरा फ्रेशन अप हो जाओ, ठीक है। ये आपने जरूर देखनी है, अपने चैनल की वीडियो ढूंढ भी लेना, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। ये आपके दो दिन का लेसन है, तो आप बेशक इसको पार्ट्स में भी देख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। टेक केयर क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।